हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं संदीप तोमर आज आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर परसेंटेज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखना है कि हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं। जो परसेंटेज को हम पढ़ने वाले हैं वो हम एज अ परसेंटेज नहीं, उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, और फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 10% का। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10। जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे 20% को भी हम लिख सकते हैं। सो 20/100, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/5। तो यहाँ पर हमने सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने सीखा है। वो हम बाद में ये देखेंगे कि हम इसको अपने क्वेश्चंस को यूज़ करने में कैसे हेल्प लेते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे बाकियों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 12 1.2%। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5, क्योंकि 12 1.5 क्या होता है, हमारे पास 12.5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 100, ये पॉइंट कैंसिल होकर यहाँ पर 1000 आ गया। तो ये है हमारे पास 125/1000 हो गया। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/8। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 2/3% को हम यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास रिमेनिंग भी होते हैं, हमारे पास बाकी भी होते हैं परसेंटेज के, जो हमारे पास फिक्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास होता है एक, हमारे पास 5% होता है जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/20। 4% हमारे पास आता है जिसको हम लिख सकते हैं 1/25। 33 1/3% आता है हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 66 2/3%, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे ये इसका हमें चेक किया होगा, यहाँ पे ये इसका ट्वाइस है। तो 1/3 का भी हमने ट्वाइस किया, तो इसका भी अगर हमने ट्वाइस करा तो ये 2/3 आ गया। इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 25% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। 14 2/7% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/7। 11 1/9% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/9। और 9 1/11% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/11। अगर हमें यहाँ पर आ गया 22 2/9%, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/9। यहाँ पे भी हमें नोटिस करना है, ये 11 और ये 22, ये इसका कितने टाइम्स, यहाँ पर ये इसका 2 टाइम्स है और इसका भी यहाँ पे ये 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी हमारा ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसका भी यहाँ पे 2 टाइम्स करें तो ये होगा हमारे पास 9 का 2 टाइम्स होगा 18, और 1/11 का 2 टाइम्स हो जाएगा 2/11। सो परसेंट इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में 2/11। फिर एक अभी हमने देखा था 12 1/2%, 1/8। अगर हम यहाँ पे 3 टाइम्स करें, 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये होगा 36। हाफ को 3 टाइम्स करेंगे तो ये होगा 1.5। तो इसको अगर हम ये ऐसे ना लिखते, इसको लिखेंगे 37.5%, क्योंकि 36 और 1 हो जाता है हमारा 37। तो 37.5% हो गया हमारे पास 3/8। अगर हम इसका 5 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 62 1/2%, हमारे पास हो जाएगा 5/8। और अगर हम 7 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 1/2% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/8। ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और भी है हमारे पास कुछ, लाइक यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 1/3%, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/12।
और 7 9/13%, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/13। और 7 1/7% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/14। 6 2/3% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/15। 6 1/4% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/16। ये हमारे पास कन्वर्ट करने का तरीका है जब हम यहाँ पे फ्रैक्शंस को, सॉरी परसेंटेज को हम यहाँ पे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। चलो अब हम देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करना है, हमें अपने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे 10% किसी की सैलरी में यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट हो गया। तो देखो इस 10% इंक्रीमेंट को हम क्या कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 10% और फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/10। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है ये होता है हमारे पास चेंज, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये होता है हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल। ओके, चेंज क्या हो सकता है? चेंज हमारा इंक्रीज भी हो सकता है और जो चेंज है वो हमारा डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। वो हमारे में वृद्धि भी हो सकती है और यहाँ पर हमारी कमी भी हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे हमारा जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें जो लेफ्ट साइड में वहाँ पर हमें ओरिजिनल लिखना है, और जो राइट साइड में वहाँ पर आफ्टर चेंज मतलब 10 पर, ओरिजिनल हमारा 10 है, 10 पर 1 का चेंज हो गया, तो 10 से 1 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, चेंज इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 to 11। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड है वो हमें ओरिजिनल लिखना है, जो राइट साइड है उसको हमें आफ्टर चेंज लिखना है कि चेंज होने के बाद हमारी वैल्यूज़ कितनी आए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई 10% यहाँ पे डिक्रीज हो गई, 10% की यहाँ पे हमारी कमी आ गई, इसको हम यहाँ पे कैसे सोल्व करने वाले हैं। देखो हमारा यहाँ पे 10% है, 10% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10। तो हमने देखा ये हमारा क्या होता था, न्यूमरेटर पार्ट हमारा होता था चेंज, और यहाँ पे जो चेंज आई है वो डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर हमारा ओरिजिनल होता था। तो इसको हम लिखेंगे, हम लेफ्ट साइड में लिखते थे ओरिजिनल और राइट साइड में लिखते थे आफ्टर चेंज। और चेंज यहाँ पर क्या है, हमारा डिक्रीज हुआ है मतलब 10 से 1 कम हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा आफ्टर चेंज हुआ है वो हमारा 9 हो गया। हमें यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है कि जो लेफ्ट साइड में मैं हमेशा लिखता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल लिखता हूँ, और राइट साइड में यहाँ पर आफ्टर चेंज लिखता हूँ। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमने अभी किया। हमने यहाँ पे देखा सपोज जो राम की जो सैलरी है वो यहाँ पर 8,000 है, और हमने उसकी सैलरी में 37.5% किया इंक्रीमेंट किया है, और हमें बताना है इंक्रीज सैलरी मतलब न्यू सैलरी उसकी कितनी है। जब हमने उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया तो उसकी न्यू सैलरी यहाँ पर कितनी होगी वो हमको बताना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 37.5% हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, जिसको हम यहाँ पे 3/8 लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और न्यूमरेटर पार्ट हमारा चेंज होता है, और यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो है हमारा इंक्रीज, यहाँ पर हमारा वृद्धि हुई है, और जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ये हमारा होता है ओरिजिनल। और अभी अभी हमने देखा ओरिजिनल में हमेशा लेफ्ट साइड में लिखता हूँ तो 8 2, और यहाँ पे राइट साइड में मैं हमेशा लिखता हूँ आफ्टर चेंज, तो यहाँ पर 8 से 3 हमारा इंक्रीज़ हो गया, 8 to 3 की इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे 8 + 3 कितना हो गया हमारे पास 11, तो मतलब उसकी सैलरी अब 11। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तो जो राम की जो सैलरी 8,000 दी थी हमारी ओरिजिनल है, और ओरिजिनल हमारा यहाँ पे 8 है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि भाई 8 है और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 8,000, तो ये हमारा कितने टाइम्स हो गया 1,000 टाइम्स। तो न्यू सैलरी हमारी कितनी थी यहाँ पे 11, लेकिन एक्चुअल में निकालनी है हमें, तो यहाँ पे भी हम 1,000 टाइम्स ही करेंगे, जितना टाइम्स यहाँ पे होगा उतने टाइम्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई जब हम 1,000 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 11,000। तो जो हमारा जो आंसर है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी।
ये में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अंकित की जो सैलरी है ये यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, 5% हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे प्रेजेंट सैलरी हमें दी हुई है ₹1,806, और हमें जो लास्ट ईयर सैलरी हमें यहाँ पे बतानी है। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है, तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले यहाँ पर हमारे 5% है, तो अगर हमने 5% यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20। तो ये हमारा चेंज है, चेंज मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर ये हमारा चेंज है, और जो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, और नीचे हमारा ओरिजिनल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 22। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है 1 इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे 22, 21। अच्छा, हमें यहाँ पे देखना है कि जो इसकी सैलरी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो जब भी सैलरी इंक्रीज़ होगी तो प्रीवियस ईयर में कम रहेगा और जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट सैलरी और लास्ट ईयर सैलरी, पक्की बात है। अगर हर साल सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, हर ईयर सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, तो प्रेजेंट सैलरी ज़्यादा रहेगी, लास्ट ईयर सैलरी कम रहेगी, तो यहाँ पे कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये हमारी प्रेजेंट हो जाएगी और ये हमारी लास्ट ईयर हो जाएगी। 21 हमारी प्रेजेंट है और 20 हमारी लास्ट ईयर है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे 1806, तो जब भी यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं, अगर यहाँ पे कोई कंपैरिजन में बड़ी टर्म्स आ जाती है तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 106/21। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ 3 से कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 602। ओके, हमने यहाँ पे इसको 3 से कैंसिल किया, अब हम इसको यहाँ पे 7 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 86। तो ये 1086 कितने टाइम्स है, ये यहाँ पर 86 टाइम्स है। तो अब हमारा इसको भी हम प्रेजेंट सैलरी, हमें लास्ट ईयर की सैलरी निकालनी है तो हम यहाँ पे इसका भी 86 टाइम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 20 है तो 0 तो आएगा आएगा, अब हमें क्या करना है, 20 की मल्टीप्लाई 86 से करनी थी तो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, अब हमें इसका हमें 2 से करना है, इनडायरेक्टली हमें डबल करना है, तो हमें यहाँ पे डबल करने का तरीका भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हम 80 का डबल करेंगे, तो 80 का डबल हो गया हमारे पास 160, और फिर हम 6 का डबल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 12, तो 86 का जो डबल है वो हो जाएगा हमारे पास 172। हमें याद रखना है हमें जो ये कैलकुलेशंस है, तो ये हो गया हमारे पास 1720। हाँ, हमें याद रखना है जो हमारे पास ये कैलकुलेशंस है हमें यहाँ पे ये माइंड में करनी है, ट्राई करना है, हमें इसको ओरली ट्राई करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1720। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, और हमें चेंज इन द सैलरी बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे हमारा इज है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है 20%, हमारा यहाँ पे 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, तो पहले हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ओके, जब हमारा यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/6, और जब यहाँ पे 20% डिक्रीज हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। हमें बताना है ओवरऑल उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना डिक्रीमेंट हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 5 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 25/24। ओवरऑल हमें यहाँ पे देखना है, ओवरऑल यहाँ पर 1 डिक्रीज हुआ है तो हम यहाँ पे करेंगे 1/ यहाँ पर ओवरऑल में ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल हमने बताया था हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो 1/25। अच्छा, 1/25 था हमारे पास 4%। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दोनों हैं 4% डिक्रीज और 4% इंक्रीज, हमने यहाँ पे देखो 25 से 24, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4% डिक्रीज, तो जो हमारा यहाँ पे है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज बताना है, इफ अ नंबर इज सक्सेसिव इंक्रीज बाई 20%, 25% एंड 30%, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है,
तो सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे 20% को हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं 1/5, और ये भी हमारा इंक्रीमेंट है तो इसको हम लिखेंगे 5 to 6। सेकंड है हमारे पास 25%, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4, और ये भी हमारा इंक्रीज है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 to 5। और थर्ड वन है हमारे पास 30%, जिसको हम लिख सकते हैं, देखो 30% हमें नहीं पता, हमने नहीं लिखा वहाँ पे जब हमने फ्रैक्शंस लिखे, लेकिन हमें पता है कि 10% कितना होता है, 1/10। नोटिस करो यहाँ पे 10% है और यहाँ पे 30%, ये इसका कितने टाइम्स है, यहाँ इसका 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे भी इसका 3 टाइम्स करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। तो ये भी हमारा यहाँ पर इंक्रीज है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 to 13। देखो अब हम यहाँ पे सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज निकालना है तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा 5 से 5 कैंसिल हो गया, और जो हमारा यहाँ पे 4 था ये 2 और ये हमारा 3, तो अब हमारे पास ये हमारा 20 हो गया और ये हमारे पास 39 हो गया। तो अब हमें देखना है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे 19 इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब हमें लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19/20 × 100, तो ये हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो है 95% हमारा यहाँ पे तो सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज हमें इस टाइप से निकालना है। 3 बार दिया हुआ है इंक्रीज, 4 बार दिया हुआ है, कितनी बार भी दिया हुआ है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 95%। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें गिवन है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीज बाई 10%, अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो 10% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो रेडियस है, रेडियस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 to 11। लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो पाई है वो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, इसका मतलब जो एरिया में जो चेंज होगा वो रेडियस की वजह से होगा, और ये हमारा है पाई इंटू आर इंटू आर, मतलब 2 बार यहाँ पे रेडियस को हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पाई हमारा कांस्टेंट है, उस अगर वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो एरिया कभी चेंज नहीं होगा, एरिया तभी चेंज हो सकते हैं अगर यहाँ पे रेडियस चेंज है, तो रेडियस हमें यहाँ पे 2 बार उसको लिखना होगा। तो एक ये हमारे पास रेडियस में चेंज आ गया, सेकेंड टाइम भी हमारे पास 10 to 11 आया है, तो ये हो गया हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121, और यहाँ पे कितने का चेंज आया है, यहाँ पे 21 का चेंज आया है, लेकिन ये हमें इस चीज़ का ध्यान देखना है कि अगर यहाँ पे 21 का चेंज आया है, ओरिजिनल यहाँ पे कितना है 100, अगर यहाँ पे ओरिजिनल 100 है तो जितना चेंज हो गया वही हमारा परसेंटेज में हम यहाँ पे लिख देंगे, तो जो आंसर है वो है यहाँ पर 21% हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 7,000, इट इंक्रीजेज बाई 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाई 10% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे हमें एक टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है 7,000, और वो फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज़ होती है, सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीज़ होती है, तो हमें पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 2 ईयर्स। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से हमें यहाँ पर आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीमेंट है 5%, तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, तो अगर ये हम 1/20 लिख सकते हैं तो ये होगा हमारे पास जो इंक्रीमेंट है 20 पे 1 का इंक्रीमेंट है, तो ये होगा हमारा 20 to 21, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, तो सेकंड ईयर हमें दिया हुआ है 10% इंक्रीमेंट, तो 10% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10, ये भी हमारा इंक्रीमेंट है तो 10 पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to 11, 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर हमारा 11 आएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 200,
और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर कभी भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमें यहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी है। देखो जैसे 21 × 11 हो गया हमारे पास, और बाकी नंबर्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक 34 × 11 ले लिया, 39 × 11 ले लिया और 48 × 11 ले लिया। ओके, हमें क्या करना है, जब भी हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, पहले यहाँ पे 2 लिखो फिर 1, और जो बीच में एक नंबर आएगा वो इनको ऐड करके लिखना है। 2 + 1 हमारे यहाँ पर हो गया 3। सिमिलरली हम इसको भी करना है, ये हमारे पास 3 हो गया और ये 4 हो गया, बीच में हमें यहाँ पे ऐड करके लिखना है, 3 + 4 हो गया हमारे पास 7। तो 39 × 11 करना है तो हम सेम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 9। तो जब हम 9 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे यहाँ पे याद रखना सिर्फ एक ही डिजिट होती है हमारे, तो 12 को हम कैसे लिखते हैं, 2 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी हो गया, तो जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो है हमारे पास 429। तो सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 8, और यहाँ पर हमें ऐड करके लिखना है, तो ये हो गया हमारे पास अगेन 12 हो गया, 4 + 8 यहाँ पे 12 हो गया, तो 1 कैरी और 2 यहाँ पे, तो जो फाइनल आंसर हो गया वो है हमारे पास 528। तो 48 × 11 होता है हमारे पास 528। तो यहाँ पर हमने देखा 21 × 11 होगा 231। तो हमें जो पॉपुलेशन दी हुई थी वो पहले दी हुई थी और 2 साल बाद हमें बतानी है, इसका मतलब ये पॉपुलेशन अभी की है और ये पॉपुलेशन 2 साल बाद की होगी। तो अभी यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, तो एक्चुअल हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 200 है, एक्चुअल में कितनी है पॉपुलेशन यहाँ पर हमारी 7000 है, ये 200 है और ये 7000 है, तो ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया हमारा 35 टाइम्स। अब यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, 35 टाइम्स करने वाले हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 35 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 35 1 होता है हमारे पास 35, हमारे यहाँ पे 1 प्लेसेस है, तो ये हो गया हमारा 3 एज अ कैरी। तो 35 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 35 3 से होते हैं 105। देखो इतने तो आना चाहिए कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे देखा 35 × 3 कितना होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, पहले 30 × 3 देख लिया हमने 90, और 5 × 3 15, तो 35 × 3 हो गया हमारे पास 105। तो 105 हो गया, और यहाँ पर 3 कैरी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108, लेकिन हमारा एक ही प्लेस रहेगी यहाँ पे। तो अब हमारा जो कैरी है वो है 10, तो 35 2 70, जब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे डबल करेंगे, तो 35 2 होते हैं 70, और 10 यहाँ पे कैरी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो गया 80। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8085। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 25%। अगर प्राइस पेट्रोल के जो प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो जाए, बाई हाउ मच परसेंट अ कार ओनर शुड रेड्यूज हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द पेट्रोल वुड नॉट इंक्रीज। 4 हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट समझेंगे ये होगा हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हम यहाँ पर कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे प्राइस ऑफ द पेट्रोल को इंक्रीज कर देंगे और हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, जो हमारा खर्च होता है, अगर हम उसको चेंज ना करें, एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, तो जो हमारा कंजप्शन है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दैट मींस, और अगर हम प्राइस को डिक्रीज कर दे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट ही रखें, तो जो हमारा कंजप्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज, अगर हम यहाँ पे शुगर एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी का एग्जांपल लेते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज 25 per kg, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम यहाँ पे
100 ले लेते हैं, तो जो हमारी कंजप्शन है वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 4 kg। ओके, अब हम अपना प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, अब हम यहाँ पे प्राइस को सॉरी हम यहाँ पे प्राइस को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो 20 पर kg ले लेते हैं, और जो एक्सपेंडिचर है अभी हमारा वो 100 ही है, तो जो हमारी कंजप्शन है वो हम अब कितनी लेके आएंगे, 5 kg हम यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे नोटिस करो, जो प्राइस है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स 25 to 24 हो रहा है, सॉरी 25 to यहाँ पर 20 हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 5 to 4 हो रहा है। तो ये जिस रेशियो में ये डिक्रीज़ हो रही है, कंजप्शन भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे प्राइस ऑफ द पेट्रोल है 25% यहाँ पर उसका इंक्रीज़ हो रखा है, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, तो 1/4 अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा प्राइस है वो होगा हमारा 4 to 5। तो अगर प्राइस हमारा 4 से 5 इंक्रीज़ हो गया, तो उसने बोला है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें एक्सपेंडिचर को कोई भी चेंज नहीं करना है, तो जो हमारा कंजप्शन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 to 4। दैट मीन्स यहाँ पे कम हो गया कंजप्शन, हमारा रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे कंजप्शन कितना रिड्यूस हुआ है, 1 रिड्यूस हुआ है, और ओरिजिनल हम लेफ्ट साइड में लिखते थे, मतलब ओरिजिनल हमारा जो पहले वाला था वो 5 था, तो 1/5 हो गया हमारा यहाँ पर 20%, दैट मीन्स 20% यहाँ पे कंजप्शन हमारा रिड्यूस हो गया। तो जो हमारा आंसर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ द राइस फॉल डाउन बाई 5%, बाई हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्ड इंक्रीजेज कंजप्शन सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस आइटम। यहाँ पर प्राइस ऑफ द जो राइस है वो फॉल डाउन डिक्रीज हो गए 5%, तो एक हाउस होल्ड को अपने कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना होगा ताकि उसको अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको डिक्रीज ना करना पड़े। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 5% क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, तो 1/20 यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो गया, जिसको हम यहाँ पर प्राइस को लिख सकते हैं 20 to 19 हो गया, मतलब 20 से 1 हमारा डिक्रीज हो गया, तो प्राइस हम लिख सकते हैं 20 to 19। तो यहाँ पर उसने बोला है हमें एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है, तो मैंने बताया अगर प्राइस हमारा कम होता है तो कंजप्शन हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस रेशियो में यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है उसी रेशियो में यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट मीन्स 19 to 20 हो गया। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ वो हमारा 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और जो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 1 का हुआ है किस पर, 19 पर, तो जो 1/19 होता है हमारे पास जो ये फ्रैक्शन होगा ये होगा 5/5/19%। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है जैसे अभी हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस किए हैं, ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, और जो क्वेश्चन है ये हमारा दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में और हिंदी में। सो इफ एज इनकम इज 25% लेस देन दैट ऑफ बीज इनकम, देन बाई वाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए, दी ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है, इसने जो बात की है 25% लेस की बात की है, तो ये बात जो कर रहा है वो 25% कम की बात कर रहा है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये बात कर रहा है कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो इनकम होगी वो होगी 4 to 3, कम है तो 4 से 1 कम हो गए, तो लिखेंगे हम 4 to 3। अच्छा, अब हम सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, तो ए इनकम इज 25% लेस देन बी, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस से पढ़ के पता लगता है कि जो ए की आय है वो कम है, बी की जो आय है वो ज़्यादा है, ए की इनकम कम है बी की इनकम ज़्यादा है, तो ये इनकम हो जाएगी हमारी ए की, और ये इनकम हो जाएगी हमारी
बी की। अब हमें कंपैरिजन करना है यहाँ पे कि बी की इनकम एक इनकम से कितनी ज़्यादा है। तो बी की इनकम 4 है, ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। अब हमें इस कंपैरिजन ए से करना है यहाँ पे। अब जो हमें कंपैरिजन करना है वो यहाँ पर ए से कंपैरिजन हमें यहाँ पे करना है। तो जब हम ए से कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए जो ए है ये बन जाएगा, ये हमारे लिए ओरिजिनल बन जाएगा। तो अब हमें ये देखा है इससे कितना ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। किससे किससे, ए से ना, तो ए हमारा ओरिजिनल बन जाएगा, दैट मीन्स 1/3। तो जो हमारा आंसर है वो है 33 1/3%। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर सिमिलर है। तो जो ए की जो सैलरी है वो 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बाई हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 20% मोर कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है 20% मोर कह रहा है, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 यहाँ पे मोर है, मतलब ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 to 6 लिखेंगे, ठीक है। हमने बताया था 5 से 1 इंक्रीज हो गया, ज़्यादा है तो 5 से 1 ज़्यादा होगा, तो ये लिखेंगे 5 से 6। फिर हमने स्टेटमेंट को पढ़ के हमने यहाँ पे देखा कि ए का वेतन बी से 20% अधिक है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ए का वेतन ज़्यादा है, बी का वेतन कम है। तो ये हमारा ए का वेतन हो गया, तो ये हमारा बी का हो गया। अब हमें, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है बी का वेतन ए से कितना कम है। तो कम है ना, तो हमें यहाँ पे ए कंपेरिजन किससे करना है, अभी हमें यहाँ पे इससे कंपेयर करना है। अच्छा ये इससे कितना कम है, हमने देखा ये तो 6 है और ये हमारा 5 है, तो ये इससे कितना कम हो गया, ये यहाँ पे 1 कम हो गया। लेकिन यहाँ पे कम है तो किससे है, 6 से कम है ना ये। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल बन जाएगा, तो 1/6। तो 1/6 को अगर हम परसेंटेज में लिखिए तो ये आएगा हमारे पास 16 2/3%। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो से थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज बाई 20% एंड कंजप्शन इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% 20% की कमी हुई है और उसकी खपत में 20% की वृद्धि हुई है, तो वस्तु पर VA में वृद्धि या कमी कितनी होगी। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में से हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि जब हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। जब हमने यहाँ पे प्राइस की बात देखी, मूल्य की बात देखी, कीमत की बात देखी, तो हमने देखा यहाँ पे 20% की यहाँ पर कमी हो गई। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और यहाँ पे कमी हुई है, दैट मींस जो प्राइस में जो कमी हुई है वो हो जाएगा हमारा 5 to 4। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजप्शन की, तो यहाँ पर 20% की यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो डैट मीन्स यहाँ पे 1/5 यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो जो कंजप्शन है ये हो गया हमारे पास 5 to 6 हो गया। होता है हमारे पास प्राइस इनटू कंजप्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 to 24। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर में है ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कमी हो गई। मतलब अगर ओरिजिनल हमारा 25 है और न्यू हमारा 24 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे तो कमी आ गई, और जो यहाँ पे कमी आई है वो एक की कमी आई है, और कमी किससे आई है, ओरिजिनल पहले मतलब कितना था हमारा मूल, कितना था 25, तो ये हो गया। और कमी आ गई तो 1/25 होता है यहाँ पर, 4% का हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों है, 4% इंक्रीज भी है, 4% डिक्रीज भी, लेकिन जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4% यहाँ पर डिक्रीज है।